नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, भाई राकेश पठानिया जी, भाई हंसराज जी, भाई डीएस ठाकुर जी, विक्रम जरियाल जी, राजेश ठाकुर जी, अब ये विधायक और पूर्व विधायकों का एक बड़ा कारवां यहां पर है। अनेक अनेक इलाके के नेतागण यहां पर मौजूद हैं और सामान्य जनमानस जिनके दिल को ठेस पहुंची है, ऐसी बड़ी संख्या यहां पर मौजूद है। आप सब लोग मनोहर को न्याय दिलाने के लिए यहां पर आए हैं, मैं आप सब लोगों को नमन करता हूं। और वो जो दिवंगत मनोहर है उसकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करता हूं। शायद हिमाचल प्रदेश में किसी भी व्यक्ति ने ये कल्पना नहीं की होगी कि एक 20 22 25 साल का युवक, अकेला युवक जिसके माता पिता बूढ़े हैं, बहनों की शादी हो गई है, दलित परिवार का वो युवक, उसकी जघन्य हत्या हो जाएगी। और ऐसा तो शायद कोई कर नहीं सकता कि उसके जिस्म के, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके और खाले नाले में डाल दिया जाए। हार्ट रेंडिंग है, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मेरी देवभूमि, मेरी वीर भूमि, हर कदम पर देवी देवता विराजमान जहां पर है, हमारे यहां के लोग भी शांति प्रिय देवी देवताओं के समान है। वीरभूमि मेरा व्यक्ति सेना में जाकर के और बॉर्डर के ऊपर देश की रक्षा के लिए बलिदान होने में गौरव समझता है। उस प्रांत में, उस दूर दराज इलाके में ये जघन्य हत्याकांड होता है, इसने हमारी आत्मा को बहुत बहुत झकझोर कर रख दिया। पूरा देश स्तब्ध है, शब्द ढूंढने को नहीं मिलते। जो इस अपराध को करने वाला व्यक्ति है, जरा कल्पना करके देखे, कोई साधारण व्यक्ति इस प्रकार का अपराध कर सकता है? किसी से जाने अनजाने के अंदर चोट फेट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, परंतु कोई जरायम पेशा व्यक्ति, कोई हैबिचुअल इस प्रकार की गतिविधियां करने वाला व्यक्ति, वही इस प्रकार की जघन्य घटना को अंजाम दे सकता है। आज ये सवाल नहीं है कि जिन्होंने ये वारदात की है उनको पुलिस ने अपने पास कब्जे में लिया, सवाल यह है कि वो शांति प्रिय प्रदेश, वहां पर इस प्रकार की घटना हुई क्यों? ये प्रश्न खड़ा हो। क्या इसके पीछे कुछ और पक रहा है? क्या इसके पीछे कोई और गहरी चीजें हैं? वो बेनकाब होनी चाहिए। क्या जो कहानी बताई जा रही है वही सत्य है, या फिर इसके पीछे और ये क्रॉस बॉर्डर कुछ पक रहा है, इसका भी खुलासा होना चाहिए।
परंतु अभी तक सरकार ने उस दिशा के अंदर कोई पग नहीं उठाए। यहां के लोकल लोगों ने जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन किया, हम उनको बधाई देते हैं और उनके दबाव में आकर के सरकार ने उन लोगों को अरेस्ट किया। बहुत सारे लोग उनको बचाने की फिराक में दिखाई दे रहे थे। ये हम जनमानस की टॉक ऑफ द टंग बना। जैसा हमारे भाई पूर्व डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा, अतीक अहमद की तरह का कोई माफिया सरगना तो यहां काम नहीं कर रहा। इस बारे में बहुत बड़ी जांच की गहराई के साथ जरूरत है और हिमाचल सरकार को यह बात कान खोल कर सुन लेनी चाहिए कि जो भी कोई इस प्रकार की घटना है, इसके पीछे कुछ ऐसी चीजें हैं जो सालों साल से शायद तैयार हो रही होंगी, या फिर जो नाजायज कब्जों की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें एक मुश्त बाहर आनी चाहिए ताकि इसके बाद दोबारा से हिमाचल की धरती के ऊपर कोई मनोहर ना हो, कोई मनोहर जैसा कुकृत्य जैसा मनोहर के साथ किया है ऐसा कोई सोच भी ना से। हिमाचल सरकार मुर्दाबाद, 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 हिमाचल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारा लक्ष्य, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य कोई किसी प्रकार से एनआरसी क्रिएट करना नहीं है, ये मैं पूरी तरह से बता देना चाहता। भारतीय जनता पार्टी देश की जिम्मेवार पार्टी है और अगर जे हमने वहां परिवार से मिलने जाने का निर्णय किया है तो वह इसीलिए किया है उस परिवार के प्रति एक संवेदना व्यक्त करते हुए, हम स्थानीय लोगों का और मनोबल बढ़ाते हुए किस नियत के साथ उस परिवार से मिलने के लिए आए। हम प्रशासन के साथ खड़े हैं, जांच करती है सरकार, हम जांच के साथ खड़े हैं, परंतु एसआईटी की बात वो कतई मंजूर नहीं। माने पूर्व मुख्यमंत्री जी अपनी बात को रखेंगे, हम तो आज उस परिवार के साथ संवेदनाएं साझा करने के लिए आए हैं और उस नाते हम यहां पर आए। आप सब लोग यहां एकत्र हुए, हमें मालूम नहीं था कि यहां पर इस प्रकार से बड़ी संख्या में हमारे भाई बहन आए हैं जो उस परिवार से मिलना चाहते हैं, उस परिवार को और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने जाना चाहते हैं। हम वहां जाकर के संवेदनाएं व्यक्त करके वापिस जाएंगे, पर एक बात हम सरकार से कह देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से यहां पर 3 या 4 दिन तक विरोधियों को शेल्टर, जो ऐसे और जराइम पेशा लोग हैं उनको शेल्टर देने का जो काम हुआ है, उस सरकार की जो जांच है उसकी निष्पक्षता के ऊपर एक सवाल तो खड़ा हो गया है। इसलिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मांग की, भारतीय जनता पार्टी उस मांग का समर्थन करती है और ये जांच एनआईए के माध्यम से हो, ये हमारा दोबारा से और ये आग्रह है। इसको माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कहेंगे, भाजपा अपने स्टैंड को यहां पर मीडिया के सामने क्लियर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हम बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से वहां जाना चाहते हैं।
कोई भी व्यक्ति जो अशांति फैलाना चाहता है वो हमारे साथ ना आए, जो कोई गड़बड़ करना चाहता है वो हमारे साथ ना आए। हमारा लक्ष्य सिर्फ वहां जाना, उन बूढ़े माता पिता को, उन निरीह बहनों को मिलना, संवेदना व्यक्त करना, इतना ही लक्ष्य है। कोई भी गलत नीयत से यहां से ना जाए, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूं। और एक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष, मेरा ये कहना है कि बूढ़े मां बाप का एकमात्र सहारा वो भगवान को प्यारा हो गया, सामान्य परिस्थितियों के अंदर नहीं हुआ, ये सबको विदित। ऐसे में मुझे मालूम हुआ कि यहां समाज के लोग उस परिवार की मदद करने के लिए कुछ धनराशि भी एकत्र कर रहे हैं। अलबत्ता किसी भी धनराशि से कोई बेटा मनोहर वापस नहीं आने वाला, परंतु उन माता पिता की थोड़ी बहुत मदद हो जाए, इस नाते भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ राशि उस परिवार को दी जाए, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। जो आप घोषणा करेंगे वो पार्टी उसको पूरा करेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर प्रत्येक यहां पर खड़े हुए भाई बहन से विनती करूंगा, हम किसी प्रकार की अशांति, किसी प्रकार का उद्वेग, किसी प्रकार से जाति धर्म संप्रदाय की बात करते हुए यहां से ना जाएं। ये पूरा देश मेरा है, ये प्रांत मेरा है, ये इलाका मेरा है, हम सब का है, हम सब लोग। केवल जो और ऐसी मानसिकता के लोग जो देश में, प्रदेश में और इलाके के अंदर अपने स्वार्थ के लिए गड़बड़ फैलाना चाहते हैं, उनके खिलाफ खड़े हैं। और उनको आइसोलेट करना, ऐसी गतिविधियों को आइसोलेट करना, ये हमारा आपका सबका धर्म है। इतना कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।